दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, हमाओ कड़ेसरा। अभी तक आपने तर्ज सुना होगा कि हमारा ललितपुर, हमारा कोई भी जिले के नाम के साथ हमारा लगा दिया जाता था। हम एक गांव में हैं जिसका नामकरण है हमारा कड़ेसरा। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अभी कुछ समय पहले यहाँ विभागीय लोग थे और वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे, बोट क्लब। अभी आप लोग सुनते होंगे कि कोई बड़ा शहर या फिर कहीं कोई बड़ा तालाब में बोट क्लब का सुविधा मिलती थी। कड़ेसरा गांव है, ललितपुर ज़िले का है और तालवेट तहसील है, ब्लॉक भी तालवेट है। वहां पर बोट क्लब की शुरुआत कर दी गई है और इसको लेके एक शुल्क निर्धारित किया गया है, 20 रुपये, और बच्चों का चार्ज 5 रुपये है। DPRO विभाग जो है लगातार, चाहे DPRO हों और तमाम CDOs हों, लगातार गाँव को कहीं ना कहीं शहर की तर्ज पर तर्ज लेकर आ रहे हैं और डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग लगातार कई गांव घूमे हैं और लगातार 51 गांव का टारगेट जो हमारा ललितपुर का है वो हम कर रहे हैं। कई गांवों में ये सुविधा आरंभ है और हर गांव को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जो नगर पंचायतों में सुविधा होती है, नगर पालिकाओं में सुविधा होती है, वो सुविधाएँ ग्रामीण अंचलों में पहुँचाने के लिए सब किया जा रहा है। लगभग 40-50 गाँव जो हैं ललितपुर ज़िले के, वहाँ पर ये सब सुविधाएँ चालू की जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चार्ज भी है ताकि एक व्यवस्था को संभाला जा सके। CDO अपने यहाँ पर संबोधन करने के बाद यहाँ से निकले हैं और एक शानदार कार्यक्रम। एक तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम आपने देखे होंगे, कई तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। और यहाँ पर भी कड़ेसरा गांव में एक तालाब है जहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, हमाओ कड़ेसरा नाम उस पर दिया गया है कड़ेसरा गांव के साथ। तो अभी तक जो शहरों में दिखता था वो गांव तक पहुँच रहा है। गाँव कितने बदले हैं, गाँव के लोग क्या कहते हैं, हम लोग गाँव में पहुँचे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ ग्राम प्रधान है, उनसे चर्चा करते हैं। सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, आपसे मिलने से। जो हमसे मिलने से गांव में जो सुविधाएं उससे लेके, चूंकि हम गांव में घूम के आए हैं, गांव में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर हमारे योगी जी और मोदी जी के निर्देशन, हम लोगों ने अमृत सरोवर का काम किया जी। इसके साथ साथ हमारे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, DPRO सर के आदेश अनुसार हम लोगों ने पार्क की भी तैयारी कर ली है, गौशाला भी है, RRC सेंटर भी है, नाडेब हैं, ऐसे तमाम काम हैं उनके निर्देशों पे। हम लोग जो अभी अभी हुए के पूर्व में भी हुए हैं, अभी अभी हुए हैं, अभी अभी जी। बदल रहा है गांव, बदल रहा है सप्ताह में या होने जो शहर क्षेत्र में होती थी कहीं। जी जी। सब बोट क्लब चार्ज का दिमाग कहां से कि चार्ज लगेगा गांव में, को चार्ज दे भैया। सर हमारे यहां हाईवे से सटा हुआ गांव है, बाहर के लोग भी यहां पे रुकते हैं और तालवेट भी पास, तालवेट भी पास में है, जो टूरिस्ट वाली बस भी हैं वो भी रुकती हैं यहाँ पे। तो इससे हमारी पंचायत की आमदनी बढ़ी, मतलब बोट क्लब का ही फायदा। बोट क्लब का, आप पार्क भी बना रहे हैं। जी जी। जो हम आप कड़ेसरा कया जो ये सेल्फी पॉइंट है, बाहर के लोग आते तक तो हम आओ ललितपुर, तो अब हम आओ कड़ेसरा कला है, तो अब गाँव गाँव में तुम सब जगह लगवा जाओ। जी जी, शुरुआत कर दी हमें, हमारे गाँव में भी लगने। बिल्कुल सर। तो एक कहीं ना कहीं एक प्रधानी में जो अभी कत्ते के कछु काम नहीं, सीमित काम है, का करा दें, अब आइडिया आ रहा है दिमाग में का? जी जी हाँ। दुकानें वकानें बन रही है, नहीं बन रही? एक कैंटीन बन रही है नगर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत वहाँ भी चार्ज हुई है। हाँ, एक आटा चक्की भी लगने जा रही है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करी जा रही है। जी जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव, प्रधान कड़ेसरा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।